वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे तो जी बड़े दिनों बाद मेरी एंट्री हुई है अलहमद पेपर्स अच्छे जा रहे हैं तो बस थोड़ा सा टाइम मैंने सोचा कि बेचारी वीडियो बड़ी भी एडिट कर लेती हूँ तो आज आप लोगों के लिए लेके आई मिनी डोनट्स और ये फिल भी बनाएंगे और ऊपर भी इसकी डेकोरेशन करेंगे बहुत कुछ इसकी वेरिएशन हो सकती हैं बस स्टार्ट करते हैं मैंने टाइम वेस्ट किया बिश्ल रहीम तो यहाँ पे बोल लिया तो इसमें यीस्ट शामिल करेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस एक अंडा जाएगा अंडे को मैंने दस मिनट पहले फिर से निकाली और ये है जी मक्खन डब्बा ब्लूबैंड का है लेकिन अंदर इसमें मक्खन ही है तो बस अगर आप ब्लूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोई मसला नहीं है तो ये जया जी हमारे बॉल में आधा कप नीम गर्म दूध जो ये दूध है जी थोड़ा ठंडा था इस तरह आजकल थोड़ी सर्दियाँ में ये तो अगर आप रूम पर टेम्परेचर पर भी रखें तो ये ठंडा हो जाएगा इसलिए मैंने इसे ट्वेंटी सेकेंड माइक्रोवेव में गर्म किया अब जाएगी इसमें तीन टेबल स्पून चीनी अच्छा ये बात मैं मैंशन करती जाऊँ कि ये रेसिपी मेरी अपनी नहीं है मैंने इंटरनेट से देखी है तो ये तीन टेबल स्पून मेरी चीनी चलेगी इसमें तो ये पीसी भी चीनी नहीं क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ कि इसमें मैंने ऐसे ही शामिल कर दिया इसमें तो अब जाएगा इसमें यीस्ट वन टी तो ये इंस्टेंट यीस्ट है लेकिन फिर भी हम इसको राइस करेंगे मगर राइस करने से अच्छा होता है अच्छा एक आपको टिप बताती हूँ इस पैकेट से इस आशी में ये लिखा होता है कि एक दफ़ा सिर्फ यूज़ करें उसके बाद आप दोबारा यूज़ ना करें इसको लेकिन मैं हमेशा क्या करती हूँ जो गीस होता है उसको फ्रीज़र में रख लेती हूँ जो पैकेट होता है उसको सील करके तरीके से फ्रीजर में रख लेती हूँ और बेशक आप थ्री मंथ्स बाद भी इसे इस्तेमाल करें तो ये बिल्कुल अच्छा होता है लेकिन आप एक ये करें कि आप डायरेक्ट उससे राइस ना दो में ना शामिल करें पहले उसको राइस कर ली इस तरह मैं स्टेप में करीं फिर इस्तेमाल करें तो ये जी मिक्स कर ली सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से और अब इसको मैं राइस करने के लिए छोड़ दूँगी पाँच से दस मिनट किसी गर्म जगह पर तो यहाँ पर जी बबल्स आ गए इसको थोड़ा सा दोबारा से मिक्सी करेंगे अच्छे तरीके से इसकी तो अब शामिल कर दूँगी इसके अंदर मैं नमक इसमें चला गया नमक हाफ टी स्पून ये डाल देंगे इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालना मुझे पसंद है आप कम भी डाल सकते हैं ये गया चार टेबल स्पून हुआ मक्खन तो इसको हमने माइक्रोवेव में पिघलाया और फिर अब इसमें शामिल करेंगे हम एक अंडा तो जी आपने एक चीज़ का जी बहुत ख्याल रखना है जब आप यीस्ट इस्तेमाल करें किसी चीज़ में वो ये

ये डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि जो बैठी हुई चीनी है वो मिक्स हो जाए आपको खुद तो रिकमेंड करूँगी कि पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करें वो तो बस मेरा लेजीनेस है अब चला गया इसमें मैदा तो मैदा टोटल शामिल करूँगी मैं सिर्फ और सिर्फ दो कप तो पहले मैंने शामिल किया इसमें एक कप उसके बाद इसको मिक्स करेंगे शायद दो कप से आपका ज़्यादा मैदा चाहिए तो वो डिपेंड करता है इसकी आपने बात इस बात की टेंशन नहीं लेनी पहले आपने आ, दो कप डाल लें उसके बाद अगर आपको कम लगे तो फिर आप और शामिल कर सकते हैं लेकिन अभी मैंने यहाँ पे एक कप शामिल किए पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स इसमें ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर रही करी अच्छा ये जो तो साइड पर तो आपको नज़र आ रहा है ऊपर से नजर नहीं आता ये मसला अभी जल्द हल हो जाएगा इन बस ट्राईपोड ले लें नया वो लेके फिर इन आपको ऊपर से भी नजर आएगा अब ये डाल दिया मैंने हाफ़ कप और फिर इसको मिक्स करेंगे आस्ते से जगह मिक्स करते जाएंगे तो आपको मिक्स मिक्स करने में थोड़ी मुश्किल होगी तो अब मैं यहाँ पे विस् को रिमूव कर रही हूँ तो यहाँ पे ये निकाल दिया मैंने और आप ले लिया स्पात चला तो इसकी साइड्स को स्क्रेप करेंगे और फोल्ड करते जाएंगे और इसी तरह मैं मिक्स कर लूँगी तो यहाँ पर आपने देखा डो बहुत सॉफ्ट है लेकिन मद्दा लगा कर हम इसको गूंधते जाएंगे तो यहाँ पे मैंने इसको चार से पाँच मिनट इस गूंधा से जो मैं आपको दिखा रही हूँ इससे अपने करना है ताकि ये सॉफ्ट बने तो होंगे कि रेसिपी पाँच मिनट के अंदर तैयार हो जाती है क्योंकि आजकल है थोड़ी सी सर्दियाँ तो फिर डो को राइज होने में थोड़ा टाइम लगता है तो एक से डेढ़ घंटा लग जाता है तो फिर उसी बाउल में चाहे वो जितना मर्जी गंदा हो हम डाल देंगे अपनी डो को ग्रीस कर देंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको किसी गर्म जगह पर छोड़ देंगे तो मैं ओवन में नहीं रखती क्योंकि आजकल ओवन भी बहुत ठंडा हुआ है तो मैं इसे चूल्हे के पास ढक कर रख देती हूँ ताकि जल्दी राइस हो जाए तो अब हम इसका राइस होने का इंतज़ार कर लेते हैं डो यहाँ पे राइस हो चुकी है देख लें अरे अच्छा सर्दियों में डो बहुत ज़्यादा राइस नहीं होती क्योंकि हमें तो मुझे बहुत जल्दी होती है बनाने की तो तकरीबन एक डेढ़ घंटे में इतनी राइस होती है तो ये आप देख लें तो आप टेंशन बिल्कुल भी लेने की बहुत ज़्यादा राइज़ नहीं हुई क्योंकि हमने ड्यूरेंट्स बना के उनको फिर से राइज़ करने के लिए रखना है तो बस अब थोड़ी सी बहुत सॉफ्ट होगी स्टेप पे तो थोड़ा सा हमने इसे शेप देना है स्टेप पे घूना नहीं है जस्ट एक से दो मिनट इसे हमने शेप दे देना है इस तरह तो मैंने मद डस्ट किया हुआ था तो बस इसको हम अच्छे तरीके से शेप दे देंगे तो यहाँ पे हम जो हम डिवाइड किए दो उसको हम लंबा सा बेल लेंगे सर्कल शेप पे तो इसको मैं बेलती जाऊंगी लंबा सा फिर आपसे मिलती हूं। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको लंबा सा बेल लिया अब यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल कटर था तो उससे मैं कटर नहीं था एक ढक्कन था किसी बॉक्स का तो इस तरह मैं इसकी सर्कल्स बनाती जाऊंगी और फिर इनको अलग करती जाऊंगी इस तरह ज़ोर से प्रेस करना है ताकि अलग हो जाए ये देखिए इस तरह और फिर इस तरह हम इनको अलग करते चले जाएंगे ये देखिए ये शेप तो अगर कुकी कटर है तो जब वो इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुत आसान हो जाएगा लेकिन मेरे पास जो सर्कल शेप का था वो बहुत छोटा था तो बस इसलिए हम इस तरह बनाते जाएंगे मीन ऑनट्स हैं तो इसलिए फिर हम इसे मिनी साइज़ के ढक्कन से काट रहे हैं तो ये याद रहे कि ये थोड़े से फूल भी जाएंगे तो इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी तो अब मैं सारे बना बनाऊंगा तो यहाँ जी ये देखें फ्राई हो रहे हैं फ्राई होने का जो मेथड है वो हमेशा बताती हूँ यही है कि जी ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है बहुत ज्यादा नहीं करना है नॉर्मल में गर्म करना है उसके बाद पहले एक डाल के चेक करना है अगर वो फ ऊपर आ जाए इसका मतलब ऑयल परफेक्ट गर्म है फिर थोड़े से डाल के हमने फ्राई करने हैं इनको और अब मैंने पहले डाइस करने के लिए रखा था तकरीबन तो बीस मिनट के लिए तो जितना ज़्यादा टाइम है उतनी ज़्यादा देर के लिए रख लेंगे यानी कि मैक्सिमम थर्टी टू फोर्टी मिनट्स के लिए अब रख सकते हैं इनको तो अब बस मैं इनको सबको फ्राई कर लूँगी तो आपको तरीका समझ आ गया हाँ भी जी हो गए हैं जी हम तो यहाँ पे जी एक हम बड़ी मज़े कि हम इनको चॉकलेट ग्राम बनाइए क्रीम और सॉरी दूध और चॉकलेट को मिक्स करके तो यहाँ पे मेरे पास छोटी सी बॉटल है इससे पहले मैं मैं पहले चूज़ कर लूँ कौन सा कौन सा देन <laughs> ऐसा अब इसको हम इसके अंदर यूं डालेंगे ताकि थोड़ा सा एक सुराख सा बन जाए जिसमें हम चॉकलेट फिल कर सकें ये देखें अच्छे तरीके से पहले जो मैंने बनाया था वो मैंने सही नहीं बनाया था आपने अच्छे तरीके से बनाया ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे तरीके से हम अंदर फ़िल कर सके तो ये है जी पाइपिंग बैग जिसमें मैंने चॉकेट तो ये हैंडमेड पाइपिंग बैग है मेरा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास भी बहुत से लोगों के पास नहीं होगा तो फिर आप बटर पेपर से बनाए हैं तो मैं इस तरह ही फ़िल कर रही हूँ और आई डोंट आइन हो क्यों चली गई इसको मैंने देखे फ़िल किया इस तरह इसके अंदर तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्पेस अंदर की, की हो अगर ज़्यादा की होगी तो फिर ज़्यादा चॉकलेट जाइए वरना कम तो इसी तरह मैं फ़िल कर लूँगी सारे तो एक मैंने इस तरह डिप भी किया है चॉकलेट में बताऊँ तो आपको तो मैंने चार से पाँच रो फिल किए उसके बाद मेरा हैंडमेड पाइपिंग बैग फट गया तो मैंने दोबारा बनाने की जहमत नहीं किया और फिर मैंने ऊपर से ही डेकोरेट कर लिया तो अगर आपको जैसे पसंद है कर लेकिन अगर आप फिल करेंगे ना दो बहुत मजे के लगे क्योंकि फिल करने से डोनट्स में जरा तो चॉकलेट ज़्यादा क्वान्टिटी में चल जाती है तो बस अब मैं सारे बना लूँगी तो यहाँ पर जो चॉकलेट गनाश है जो मैंने क्रीम से नहीं बल्कि दूध से बनाई क्योंकि मेरे पास भी क्रीम नहीं थी तो आप भी बना सकते हैं ये देखिए इस तरह डोनट्स को डिप करेंगे थोड़ा सा राउंड घुमाएंगे ताकि वो चॉकलेट्स के ऊपर आ जाए और ये देखिए जी हमारा डोनट तैयार तो है तो इसी तरह मैं सारे डोनट्स को चॉकलेट लगा लूँगी तो अब ये तो चॉकलेट डार्क मिल्क चॉकलेट या फिर व्हाइट चॉकलेट भी मेल्ट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं तो ये देखें इसको हम थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा सेट हो जाए फिर इसके ऊपर हम स्प्रिंकल्स भी स्प्रिंकल करेंगे तो यहाँ जी मेरे दोनों वैरायटी के जी डोनट्स रेडी हैं वो जो फिल डोनट्स हैं वो भी बहुत मज़े के लग रहे हैं और जो डेकोरेटेड वाले डोनट्स हैं वो भी बहुत मज़े के तो लंच खाते हैं जी ये देखें जी हमारे मज़ेदार मी डोनट्स भी रेडी हैं डेकोरेटेड वाले ये भी बहुत मज़े के हैं बहुत सारा सॉफ्ट है डो बहुत सॉफ्ट बनी है बहुत मजे की बनी है विसन की जो खुशबू है वो भी बहुत मज़े की लग रही है तो ये जो डोन हैं आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं चॉकलेट लगाए बगैर रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल थोड़ी तो सी है फ्रिज में भी कर सकते हैं अप टू वीक यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने इनको इस्तेमाल कर लेना है यानी कि खा लेना है आप फ्रिज में अगर आपने रखा है तो आप इसे माइक्रोवेव करके भी खा सकते हैं तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन मैंने बड़े जने बाद बनाई तो आप इस वीडियो को एंजॉय करें और ये दोनों जी मेरे और आपने भी जी मेरी वीडियो को लाइक करना है और इसे शेयर करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपने अपना रखना मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है अलाफ़